अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देख, कुछ लोगों ने उसको, जिनको जानकारी हुई होगी, उन्होंने नेगेटिव तरीके से इसका प्रचार करना शुरू किया कि महाना साहब का भी नाम है, उन्होंने भी भरवाया। तो जब मेरी जानकारी में आया तो मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मैं आयुष्मान भारत की जो पात्रता श्रेणी है उसके लिए पात्र नहीं हूँ। मैंने तत्काल जिलाधिकारी को फ़ोन भी किया और उनको लिख कर भी बोला है कि इसकी पूरी जाँच कराई जाए। मुझे उसके बाद में अब पता चला है कि उसमें कानपुर के पूर्व विधायक श्री सलील विश्नोई का भी नाम है, श्री अजय कपूर का भी नाम है, आज अखबार में पढ़ा है कि एक माननीय सांसद जी के भाई का भी नाम है। तो ये इस प्रकार के जो लोगों के नाम अगर उसमें डाले गए हैं, डाले क्या गए हैं, जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, तो जिन्होंने डाले उनके जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। कि अगर पात्रता श्रेणी बनाने वाले लोगों ने और उसमें गड़बड़ी करी है तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अपात्र हैं, जिसमें से मैं भी अपात्र श्रेणी में आ रहा हूँ, तो उनका नाम विलोपित होना चाहिए, कटना चाहिए। इसमें गलती किसकी मानते हैं? गलती निश्चित रूप से उन्हीं लोगों की है जिन्होंने उस सूची में बनाने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं। अब ये इसकी जांच जिलाधिकारी करेंगे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करेंगे, जिसकी जांच करने की जिम्मेवारी है वही निश्चित रूप से उसकी गलती। मैं इसके ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये कोई इशू भी नहीं है। इशू ये है कि मैं पात्र नहीं हूँ और जो लोग पात्र नहीं है उनका नाम कटना चाहिए और पात्र लोगों को मिलना चाहिए। ये स्वयं आदरणीय महाना जी ने मुझे लेटर लिखा है, उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया है। संभवतः ये या तो किसी की शैतानी भी हो सकती है या किसी हद तक लापरवाही भी हो सकती है, तो उसकी जाँच कराई जा रही है। CMO साहब इसकी जांच करेंगे और कुछ राजस्व के अधिकारी भी इस पर जांच करेंगे और जांचोपरांत जो चीज़ निकलेगी उस पर जिम्मेदारी तय करी जाएगी और आगे इस तरह की कोई बातें ना आए उसके लिए CMO साहब को पहले से सतर्क कर दिया गया है और उनको एक अलग से चिट्ठी लिख दी गई है।